तो दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं प्रयागराज के एक अद्भुत रहस्यमयी मंदिर में, जिसको आप नौलखा के नाम से भी जानते होंगे। फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि इस मंदिर का नाम है श्री आदिशंकर विमान मंडपम, और यहाँ पर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड तीन चार मंजिल तक आपको यहाँ पर दर्शन करने को मिलेंगे भगवानों के। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउ बिल्कुल नहीं है, ना मोबाइल वीडियो बनाना अलाउ है। मैं चुपके चुपके से बना रहा हूँ, यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगे हैं कि फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, नहीं तो आपका मोबाइल जब्त हो जाएगा। और हर जगह कैमरा, तो मैंने चुपके चुपके से वीडियो बनाई है। बाकी आदर्श भाई मेरे बोल रहे थे कि भाई साहब वीडियो मत बनाओ, नहीं तो मोबाइल जब्त हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऊपर से नीचे का नज़ारा देख सकते हैं। बाकी हम लोग थर्ड फ्लोर पे थे और हम लोग पूरी तरह से घूम रहे थे, तो हमारे साथ थी रितु जी। तो इन्होंने इस मंदिर के बारे में पूरा इतिहास हमको बताया। पूरा इतिहास बताने के बाद हम लोगों को पूरा मंदिर घुमाया, क्योंकि इन्होंने पूरा मतलब मंदिर के बारे में पूरी छानबीन कर रखी थी, कैसे क्या क्या अद्भुत चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब पूरी इतिहास हम लोगों को बता चुकी थी ये। तो इतिहास बताते टाइम एक गड़बड़ी हो गई कि भाई साहब इस मोबाइल में आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो रही थी। जो रितु जी ने बताया वो चीज़ हम लोगों के मोबाइल में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, और यहाँ पर एक तो गंगा जी का संगम है, तो आप सामने ही देख सकते हैं कितनी भीड़ थी, क्योंकि उस दिन पड़ गया था बड़ा मंगल और हम लोग उसी दिन गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो मैं वीडियो बना रहा था, उसके बाद किसी ने बोला कि वीडियो नहीं बनाना है, तो मैं मोबाइल लेके सीधे निकल गया था, जिससे कि मेरा मोबाइल जब्त ना हो। तो ये था यहाँ का नज़ारा। तो हम लोग अब चलते हैं भाई नीचे की ओर, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, अब घर भी जाना है हम लोगों को। तो हम लोग जाते हैं भाई साहब नीचे, और थोड़ा सा आप नीचे का नज़ारा देख लीजिए। तो हम लोग आ चुके हैं नीचे भाई साहब, और ये है सबसे पहली सीढ़ी जहाँ से हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं। तो देख लीजिए, ये तीन मंजिल चार मंजिल का है, जहाँ पर आप लोग अच्छे से घूम सकते हैं, और रहस्यमय मंदिर है।